श्री के सी त्यागी अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, अगर गृहमंत्री जी भी स्वयं होते तो हम कुछ चीज़ें और मजबूती के सामने उनका रखना चाहते थे। इस वर्ष 2017 में गांधी जी के भारत में आने के बाद सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार उसको राष्ट्रीय दिवस के रूप में समूचे देश में, चूंकि 2011 में यूएनओ ने गांधी जी के साउथ अफ्रीका के सत्याग्रह के वर्षगांठ के मौके पर पूरी दुनिया में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया था, तो मैं चाहता हूं कि 2017 का जो पहला हिंदुस्तान में आने के बाद का सत्याग्रह है गांधी जी का, चंपारण सत्याग्रह, उसकी 100वीं वर्षगांठ आने वाली है। इसलिए केंद्र की सरकार से मेरा आग्रह है कि उसको राष्ट्रीय स्तर पर, चूँकि गांधी जी ही एक ऐसी विचारधारा है जो आज पूरी दुनिया के गरीब लोगों के हाथ में मजबूत लोगों से लड़ने का एकमात्र हथियार है, और गांधी जी माने अंबर चरखा नहीं है, गांधी जी माने मद्य निषेध भी नहीं है, गांधी जी माने है सत्याग्रह, लोकतंत्र की स्थापना के लिए, बराबरी के अधिकार के लिए, समता के लिए, संपन्नता के लिए एकमात्र औजार जो है वो सत्याग्रह है। इसलिए इस सत्याग्रह की वर्षगांठ को सरकार ऊंचे पैमाने में मनाएगी, एक तो मेरा ये इनसे ये आग्रह है। दूसरा, मेरा 1975 के जो लोकतंत्र सेनानी हैं, जो आपातकाल में जेल गए थे और एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक लगभग 1,10,000 लोकतंत्र समर्थक जेल में रहे थे, मैं चाहता हूं कि बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात सरकारों की तर्ज पर, कहां, राजस्थान में समाप्त कर दिया सरकार ने, चलिए आपने जानकारी दे दी, अच्छा हुआ, उत्तराखंड, हिमाचल और राजस्थान में समाप्त हो गया था। तो मेरा ये कहना है कि कुछ नहीं, खाली उनको सम्मानित करने के लिए स्वतंत्रता सेनानी के बजाय लोकतंत्र सेनानी के समकक्ष मान्यता देकर उनको भी सम्मानित इस देश में किया जाना चाहिए। माननीय पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का वक्तव्य से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं, जिन्होंने नक्सलवाद के बारे में 2009 में कोई वक्तव्य दिया है, मोस्ट सीरियस इंटरनल थ्रेट टू इंडिया वन, और इसी तरह का वक्तव्य देश के गृहमंत्री की तरफ से भी आया है। सर, मैं मानता हूं कि नक्सलवाद नहीं, गरीबी और असमानता इस देश का सबसे बड़ा लानत भी है और सबसे बड़ा खतरा भी है, पावर्टी। और आपकी जानकारी के लिए उपाध्यक्ष महोदय, 180 जिले इस देश में ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित जिले माने जाते हैं और 10 राज्य हैं। और मैं बताना चाहता हूं भूतपूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी के लोगों को कि जब मनरेगा लागू हो गया उसके बाद 180 के बजाय 83 जिले रह गए और 10 राज्य के बजाय 9 राज्य रह गए, तो उनको मानना चाहिए कि नक्सलवाद नहीं, गरीबी और गैर बराबरी जो है इस समय की सबसे बड़ी मुसीबत है। और जो प्लानिंग कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक दलित और ट्राइबल्स 99.99% लोग जो हैं दलित और आदिवासी हैं, चूंकि उनके साथ जो गैर बराबरी है जात पात से लेकर के आर्थिक विपन्नता तक की, उसमें लो वेज है, लंबे समय तक काम कराते हैं सामंत उन्हीं इलाकों में जहां श्रम कानून लागू नहीं है, कर्जा लेते लेते बंधुआ मजदूर हो जाते हैं, और आपकी जानकारी के लिए आदिवासी इलाकों में
बैंक की भी व्यवस्था नहीं है, कोई बैंक वहां पर नहीं होते। जो प्रोड्यूसेस हैं, जो जमीन है उस पर उनका हक नहीं है, अमानवीय बर्ताव होता है, फिजिकल असॉल्ट होता है, और मालिक की तरह से हुक्म देकर के आदिवासियों से, जनजाति के लोगों से काम कराया जाता है। 70% के आसपास लैंडलेस है, जिनके पास जमीन है आदिवासियों के पास, वो कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं है। फूड इनसिक्योरिटी है, 71.6% जो ट्राइबल्स हैं वो फूड डेफिशिएंसी में रह रहे हैं। उनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो 3 महीने के से लेकर के और 5 साल के बच्चों की जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पाती। स्टारवेशन डेथ सर सबसे ज्यादा वहां पर है, और अपने बच्चों को बेच करके अपना गुजारा करो, ऐसे भी केस प्रकाश में वहां से आए हैं। सर मुझको, मैंने अपने इसी वक्तव्य के लिए, जहां मैं रहता हूं उसके सामने खान मार्केट है, और वहां कुत्तों को पालने का जो केंद्र है उसका नाम है जा जनपाज, उसकी मैंने रिपोर्ट मंगाई है। जो पप्पी है उसको 2 दिन के खाने के लिए, पप्पी लार्ज फूड है 2.5 kg का, और 1250 रुपए का पैकेट है जो 2 दिन में खर्च होता है एक पप्पी पर, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी कभी किया था। उसके लिए शैंपू आता है, लंबे लंबे बाल होते हैं उसके, और शैंपू की कीमत है 1029 रुपए, उसका नाम है बायोग्रूम। बायोग्रूम चूंकि इतने लंबे बाल हैं 2 दिन में समाप्त हो जाता है, 1029 रुपए का शैंपू। स्नैक्स भी खाता है पप्पी, चाहे आदिवासी जनजाति के लोगों को मिले ना मिले, लेकिन पप्पी को जरूर स्नैक्स मिलने चाहिए। स्नैक्स जो है 150 रुपए से लेकर 200 रुपए रोज तक के स्नैक्स हैं। टॉयज से भी खेलता है पप्पी, उसको 200 रुपए से लेकर 400 रुपए तक का टॉय भी चाहिए। जाड़ों में उसका बिस्तर 1800 रुपए में मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो बड़े लोगों का पप्पी है वो हमारे इतवारी और जुम्मा से, जो हमारे आदिवासी और दलित हैं, उनसे ज्यादा बेहतर स्थिति में है। इसलिए नक्सलवाद पर जब आप चर्चा करते हो तो उनके बारे में ये ध्यान रखना कि ये जो 90-98% लोग हैं, ये इंसान के रूप में पशुओं से भी बेहतर, कुत्ते बिल्लियों से भी बेहतर खराब जिंदगी ये लोग बिता रहे हैं। और यहाँ पर कहते हैं हम लोग जो सभ्य समाज के लोग हैं कि वो कोई गरीबी कोई खतरा नहीं। ये समाज सभ्य कैसे हो गया? आप इतने गुण बता रहे। लो पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी, और 67% जो लोग हैं वो अनएजुकेटेड। हेल्थ की बहुत बुरी हालत है, जो छोटे बच्चे पैदा होने वक्त वो सबसे ज्यादा वहां मरते हैं। 98% चिल्ड्रन जो हैं वो डेफिशिएंसी के शिकार हैं। तो सर मैं कहना चाहता हूं, मैं न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा है, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था वहां पर नहीं है, 15% वाटर पानी का कोई वहां पर निकास नहीं है, और सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज द फर्स्ट कैजुअलिटी इन ट्राइबल्स एंड दलित एरियाज, दैट इज रोड, ब्रिज, ट्रांसपोर्ट, टेली कम्युनिकेशन, स्कूल, हेल्थ सेंटर, वाटर सप्लाई, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। सर मैं कहना ये चाहता हूं कि जब तक ये गैर बराबरी रहेगी, हम किसी महल दुमहने वाले के खिलाफ नहीं, हम किसी की संपन्नता के खिलाफ नहीं, लेकिन संपन्नता के बीच में और विपन्नता के बीच में थोड़ी दूरी कम हुए हम चाहते। हम किसी के महलों की रोशनी के खिलाफ नहीं, लेकिन जो झुग्गी में चिराग जलता है उसके अंदर भी दिया और बाती जो है और तेल उसके अंदर भी थोड़ा बहुत पड़ा रहने दिया जाए। हम इसलिए भी कहना चाहते हैं कि महलों की जो रोशनियां हैं तब तक ही सलामत हैं जब तक झुग्गी में जलते हुए दिए के अंदर तेल सलामत रहे। जिस दिन वो तेल समाप्त होगा रोशनियों में और जगह भी गड़बड़ होगी। इसलिए भी जरूरी है कि गरीब और अमीर के बीच की दूरी कम की जाए। मैं दूसरा जो विषय है गृह मंत्रालय से संबंधित, वो केंद्र राज संबंधों को लेकर के, पिछले 60-70 वर्षों में लगभग
80 बार इस देश में इमैच्योर राष्ट्रपति शासन लगे हैं, राज्यपालों पर नई तरीके से बहस हो रही है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया है, और दर्जनों बैठक देश के अंदर हुई है, कैसे कैसे खूंखार राज्यपाल आए हैं, कई बार तो मन करता है कि इस पद को ही समाप्त किया जाए। रामलाल जी थे, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, चुके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी की रिपोर्ट है, और निर्वाचित सरकार थी एन टी रामाराव की, 167 एमएलए उनके साथ थे, बर्खास्त कर दिया। नर बहादुर भंडारी सिक्किम के मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल से नहीं बनती थी, चूंकि आजकल राज्यपाल को लेकर के बड़ी बहस चल रही है, बर्खास्त कर दिया। ऐसे फारूक अब्दुल्ला साहब थे, कश्मीर के हमारे भाई बैठे हुए, देवीलाल जी पे भी आ रहा हूं, शरद यादव जी के नेतृत्व में हम मिलने के लिए गए तपासे साहब से, 5 बजे देवीलाल जी की शपथ होनी थी, जब शरद यादव जी, हम, रवि राय जी, देवीलाल जी गए, पता लगा भजनलाल जी ओथ ले चुके। ऐसा कभी दुनिया में हुआ? पश्चिमी बंगाल के हमारे साथी बैठे हुए हैं, ये चिल्ला तेरे धर्मवीर के जुल्म जातियों के खिलाफ हटाने का नाम नहीं, तो राज्यपाल का पद ये कोई शालीनता का पद नहीं बचा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों को ठीक करने का पद भी नहीं बचा, ये केंद्र के लोगों के द्वारा अपनी मनमानी थोपने और वहां की सरकार को अस्थिर करने का इंस्ट्रूमेंट है। लिहाजा मेरा सुझाव है कि जो अब आगे से जो गवर्नर बने, एक तो वो एमिनेंट हो इन द सम वॉक ऑफ लाइफ, 1, वो उस राज्य से बाहर का हो, 2, ये सरकार या कमीशन की रिकमेंडेशन से जो मैं बता रहा हूं, 3 ये है कि पब्लिक लाइफ में किसी स्टेचर के पद पर भी वो रहा हो, 4 राजनीतिक जोड़ तोड़ में हिस्सा अगर कम लिया हो तो अच्छा है। चैना रेड्डी साहब हमारे यूपी के बने थे राज्यपाल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी ने कहा कि इन पे भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, क्या, और उसकी रिपोर्ट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी कि जो बिल्कुल बेकार राजनीति में हो गए, नहीं साहब इसमें दैट इज एस्पेंट्स, क्या जी, नो नो यू कांट से दैट, नहीं इसमें मैं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल या कोई ऐसी खराब बात नहीं, फॉर्मर गवर्नर यू डोंट से दैट, 5 साल स्पेशली लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप 80 बार बर्खास्त करोगे फिर भी आप इनकी शालीनता के चक्र में रहोगे, दैट्स अ पर्सनल एलिगेशन, इसलिए सर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी जिसके शीतलवास साहब चेयरमैन है उसका लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है, कि बेकार और फिजूल के लोगों को राज्यपाल बनाया जाता है, वो तो दूसरी बात, और उनके द्वारा की गई जातियां हमने देखी, इसलिए आगे से जो राज्य का, एक मिनट आपने नाम बताया और फिर बोला करप्ट भी, ये तो एक्सपेंज कर दिया, दुनिया ने देख लिया, आप कटवा दीजिए मेरे, तो दूसरी बात है, दूसरी अब बोलिए, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आगे से जब राज्यपाल बने, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और दर्जन भर राज्य, मैं कोई एक राज्य के लिए नहीं कह रहा, उनके निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को धमकियां दी जाती, तो मैं कह रहा हूं जब आगे से आप राज्यपाल नियुक्त करें, मनोनीत करें, राज्य के मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस में देकर के करना चाहिए, और ये राज्यपाल वो नहीं है डॉक्टर संपूर्णानंद और के एम मुंशी, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं, इन्हें अपने उपकुलपति भी चाहिए, इन्हें कई जगह पर अपने और मनोनयन भी चाहिए, इसलिए इसको बनाते समय इस चीज का ध्यान रखा जाए कि ये कोई गड़बड़ ना कर पाए। मैं अपने भाजपा के मित्रों से क्षमा याचना सहित, चुके फिर मेरे पे तुष्टिकरण का आरोप लगेगा, मैं पहली कहना चाहता हूं, लेकिन मैं विश्व हिंदू परिषद के कुछ साथियों के एक दो बयान बता दूं। प्रधानमंत्री ने वहां खड़े होकर कहा था कि 4 साल हम देश के निर्माण का काम करेंगे और बाद के 1 साल में राजनीति करेंगे। प्रवीण तोगड़िया जी हैं विश्व हिंदू परिषद के अपने आप स्वयं घोषित अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री, क्या बोलते हैं, नो यू सिट डाउन, लेट मी लिसन, आप बैठिए, आप बैठिए मैं, नो लेट मी लिसन, एक बार सुनते लीजिए, धीरज रख लीजिए, मैं कांग्रेस पार्टी के, सुन लीजिए भाई, ऐसा क्यों करें, मैं कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद के उस बयान की भी निंदा करता हूं
जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की बात की है। आप तो ताली बजा दीजिए। नो 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 सी नो डोंट सबके सबके लिए बोलने दीजिए ना। ये जो हेट स्पीचेस हैं, नो प्लीज, ये जो हेट स्पीचेस हो रही हैं, सी त्यागी जी, इफ ही डज नॉट त्यागी जी गो विद द स्टॉर्म, मैं नाम नहीं लूंगा। त्यागी जी डोंट क्रिटिसाइज एनीबॉडी, यू कैन नॉट कम एंड डिफेंड। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नाम मत ले लो। ओके, इफ ही डज नॉट रिलेंट गो विद द स्टॉर्म्स टायर and tomatoes to his office, there is nothing wrong in it. I have done it in the past and Muslim have lost both property and the money. No, ye nahi kehna chahiye, ye hamare desh ki saji virasat hai aur aap kehte hain sabka vikas. Mere paas sarkar ke dwara gathit 3 DGP hain, Sanjeev Dayal hain Maharashtra ke, देवराज नागर है उत्तर प्रदेश के, और तमिलनाडु के रामानुजम साहब, उन्होंने रिपोर्ट दिए दैट मुस्लिम थिंक वी आर कम्युनल करप्ट। ये पुलिस के 3 DGP की रिपोर्ट सारे देश के लिए आंख खुलने वाली। उसका जो बड़ा कारण उन्होंने बताया है, उसका बड़ा कारण ये है कि माइनॉरिटी के लोगों का इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन फोर्सेज में नहीं है। इसलिए गृहमंत्री महोदय से मेरा ये भी निवेदन होगा कि इसमें स्पेशल तरीके से इनकी भर्ती की जाए। सर, ये कई बार ये विषय उठा है और मैं चाहता हूं कि इस पर एक दिन आप अलग से बहस करा लीजिए कि धारा 370 किन परिस्थितियों में लगी थी। करण सिंह जी नहीं है, उनके जो वालिद साहब थे राजा हरि सिंह जी, वो 15 अगस्त 1947 को भारत में विलय नहीं कराए थे। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार को, दोनों को चिट्ठी लिख करके दी। भारत सरकार ने नहीं मानी, पाकिस्तान की सरकार ने 6 की 6 मांगे मान ली, और ये लगभग तय था कि हिंदुस्तान के साथ जो है पाकिस्तान के साथ भी ये जा सकता है जम्मू कश्मीर रियासत बैठे में, ये अपने अपने मित्र जितेंद्र जी। इनको 12,000 वोट मिली है वैली में टोटल इनकी पार्टी, और 9,00,000 वोट मिली है उन लोगों को जो कहते हैं कि धारा 370 रहनी चाहिए। लेकिन हमारे मित्र जितेंद्र जी को सर्टिफिकेट मिल गया कि धारा 370 खत्म होनी चाहिए। सर, मैं बहस के खिलाफ नहीं, लेकिन जो हमारे पुरखों ने, और ये गलत प्रचार है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और शेख अब्दुल्ला, चारों के चारों एक राय के थे। और शेख अब्दुल्ला जेल में थे, जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने गए, राजा हरि सिंह की जेल से छुड़वाया, तब उनको परसुएट किया, चूंकि मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट थी और मुसलमानों का दबाव पड़ा कि नहीं, हम जिन्ना के पाकिस्तान में नहीं, हम गांधी के धर्म निरपेक्ष हिंदुस्तान में रहेंगे, तब कश्मीर का भारत में विलय हुआ। ऐसा नहीं है, ये तुष्टिकरण नहीं है। इसलिए रोज रोज जो बहस उठती है, और वहां को जितेंद्र जी आपको पता, लेकिन आपके हमारे माइंड सेट अलग अलग हो गए। आप सोचते हो सबके सब पाकिस्तान समर्थक है, हम कहते हैं उनके दिल टूटे हुए, और आपने नहीं तोड़े, हमारे इन मित्रों ने भी तोड़े, जो जवाहरलाल नेहरू और प्लीज और शेख अब्दुल्ला के बीच में इकरारनामा हुआ था, ये 1953 में इन्होंने तोड़ दिया। जो जो चीजें तय हुई थी, जितेंद्र जी आप तो वकील भी हैं, शायद डॉक्टर हैं, चलो इलाज तो अच्छा नहीं करते खैर। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो जो इकरारनामा जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में हुआ था, वो सारे इकरारनामे को कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार तोड़ते रहे। सदरे रियासत बने थे, राजा बैठे, करण सिंह जी बैठते हैं यहां पर, और वजीर आजम बने थे शेख अब्दुल्ला साहब चिराग। उससे पहले कांग्रेस पार्टी वैली में नहीं थी, कांग्रेस पार्टी वैली में जब बनी, जब शेख अब्दुल्ला साहब जेल चले गए, और जब 1975 में इंदिरा गांधी का अकॉर्ड हुआ शेख अब्दुल्ला के साथ, तो अब्दुल्ला साहब चिट्ठी लिखते हैं इंदिरा गांधी जी को, उन्होंने मना नहीं किया, इंदिरा जी ने, उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल से वैली में फ्री एंड फेयर पोल नहीं हुआ। जब मुरारजी भाई देश के प्रधानमंत्री बने, 30 साल के बाद पहली बार फ्री एंड फेयर पोल हुआ 1978 में वैली के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वहां का जो नौजवान है, आप क्यों नहीं श्री अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा को आगे बढ़ाते, जिन्होंने कश्मीर में जाकर कहा था कि यह सवाल इंसानियत से जुड़ा हुआ है, और आप प्यार से मोहब्बत से ही अब दुनिया को जीत सकते हो। अगर ताकत के बलबूते में दुनिया जीती जाती तो अमेरिका वियतनाम से नहीं भागता, वहां इतने लड़के हैं, बेरोजगारी है,
उनके दिल टूटे हुए झूठी आजादी की आड़ में दुनिया भर में घूम रहे हैं, तकलीफें उठा रहे हैं, लेकिन उनको भी कंसर्न करना चाहिए। पहले जो गृहमंत्री थे चिदंबरम साहब और शिवराज सिंह जी, वो लोग गए थे ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर के। मैं कहना चाहता हूं वक्त आ गया है, आप जम्मू भी जाइए, आप लद्दाख भी जाइए, लेकिन कश्मीर के वासिंदों से मिलकर के भी उनकी तकलीफों को जानने का प्रयास कीजिए कि वो क्यों दर्द में है। और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हो गए और जिस तरह की सिचुएशन वहां पे है, गंभीरता के साथ कभी सोचना, 2014 में अगर अमेरिका वहां से चला गया, जिस तरह की फोर्सेज एक्टिव हैं, आपसे कम कंसर्न हम किसी चीज के लिए नहीं है। ये वतन हमारा सबका है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो पाकिस्तान के हालात हो गए, जिस तरह की ताकतें अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे कब्जा कर रही हैं, पश्चिम एशिया जिस तरह से लहूलुहान है, मैं कहना चाहता हूं कश्मीर को अगर बचाना चाहते हो तो कश्मीर के आवाम का दिल जीते बगैर डंडे के आधार पर उनको अपने साथ आप नहीं रख सकते। इसलिए उनसे डायलॉग कीजिए। हम नहीं कहते कि अलगाववादी ताकतों के सामने झुकिए, बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन कुछ लोगों का वैली में मजबूत कीजिए। उनकी ईद नहीं मनी, उसमें भी हड़ताल हो रही है, ऐसे प्रोविजन कीजिए। कोई तुष्टिकरण नहीं है, ये यथास्थितिकरण। आप हर चीज में जो कह देते हो, अगर कोई भी जरा अल्पसंख्यकों के बारे में, गरीब लोगों के बारे में कहे, ये तुष्टिकरण है। ये तुष्टिकरण नहीं है, कश्मीर के लोगों का भारत में तुष्टिकरण है। और उसी के बगैर जो शेख अब्दुल्ला साहब ने किया था, उसी के बगैर ये देश का इंटीग्रेशन होगा, और ना इंटीग्रेशन अभी समाप्त कीजिए। अभी समाप्त कीजिए। इतनी दिक्कतें हैं देश के सामने और गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई कि 18 तो डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट है, दो दो मिनट भी अगर बोलेंगे तो कितना समय लग जाएगा। एक तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी गृहमंत्री नेता सदन होते तो जिस तरह की वारदातें हो रही है, मैं इस पर भी बहस नहीं करता कौन कर रहा है क्या करा रहा है, अगर कुछ लोगों का दिल टूटा है, घटना हुई थी चाहे महाराष्ट्र सदन की, मैं परसों गया था मुजफ्फरनगर के पास जो खरकोदा में कांड हो रहा है, और मैं वहां पे गया तो काफी लोग इकट्ठे हुए, मेरे पीछे खड़ा हुआ एक सज्जन कह रहा है इसको मुजफ्फरनगर करा दीजिए। मुजफ्फरनगर किसी हिंदू के शौर्य का नाम नहीं है, यह हिंदू शौर्यता का नाम नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कंधमाल के दंगों के बाद कहा था कि मुझको शर्म आ रही, अनकोट, हम सारी विश्व की मानवता के लिए चिंता करने वाली कौम है। गांधी जी ने कहा था कि मैं हिंदू तब तक हूं जब तक भारतीय समाज और हिंदू समाज सहिष्णु है। जिस दिन हिंदू समाज की सहिष्णुता समाप्त हो जाएगी, मैं हिंदू होना बंद कर दूंगा। गांधी से बड़ा कोई पुरखा हमारा नहीं था। आज समाज में तनाव है, लोगों के दिल टूटे हुए हैं, ये कोई मुस्लिम तस्करण नहीं है। जिनके घर पर पर्दे डले हुए हैं, जिनके घर पर दरवाजे भी नहीं है, उनके अंदर आप कह रहे हो कि चेन गन रखी हुई है। ना प्लीज कंक्लूड। जिनकी बहू बहन बेटियों को हम झांकते हैं पर्दों के बाहर, वहां पर भी आपको शक है कि यहाँ उग्रवादी आ गए। त्यागी जी, जो उग्रवादी आए हैं कानून बनाइए, सजा दीजिए, लेकिन पूरी की पूरी कौम को आप इस आधार पर कि उनका धर्म अलग है, आपका टाइम खत्म हो गया, इस तरह से जो है एंटी नेशनल देने का काम नहीं करते। ओके। और अगर कुछ लोगों के दिल टूटे हैं, दो रास्ते, मारपीट करो या प्यार से दिल जीतने का काम। आज दुनिया, दो दिन के बाद देश की आजादी का दिन है, और मैं इसी के साथ समाप्त कर रहा हूं। यह आजादी गांधी जी के प्रयासों से मिली थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 को गांधी जी उस आजादी का जश्न देखने के लिए यहां नहीं आए थे, वो नोवा खाली में थे। हिंदू के मोहल्ले में जाते थे, हिंदू गाली देते थे, मुसलमान के मोहल्ले में जाते थे, मुसलमान गाली देते थे, लेकिन बापू जो है डरते नहीं थे। सत्याग्रह पे बैठे तो पटेल साहब और जवाहरलाल उनको मनाने के लिए चले गए, नहीं, जब तक लोग प्रायश्चित नहीं करेंगे मैं अपना अनशन समाप्त नहीं करूंगा। तो सर, जिसकी बदौलत ये देश आजाद हुआ, जिसकी बदौलत हम यहाँ बैठे हैं, उसको दो दिन बाद स्मरण करने का दिन है 15 अगस्त 1947। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से कहें कि चुनाव के अंदर जो हुआ हुआ, लेकिन अब ये देश सबका है, जात के, धर्म के, भाषा के, लिंग के, किसी भी आधार पर अब कोई भेदभाव नहीं होगा। तो शायद लाल किले फजील पे खड़ा हुआ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद से बड़ा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।
ओके धन्यवाद धन्यवाद त्यागी जी।